सब कुछ जय मसीह की। जय मसीह की मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, माइकल स्वर्गदूत इसराइल में आए। मेरा मतलब है यरूशलेम शहर में माइकल स्वर्गदूत आए। उधर का जो लोग है उन्होंने माइकल स्वर्गदूत को अपनी आंखों में देखा। उन लोगों का ऐसा दबा है। आज की वीडियो उसके ऊपर आधारित है, क्या सच है क्या झूठ है सब कुछ हम बातचीत करेंगे। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक निवेदन, वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस चैनल के साथ कनेक्ट कर रहिए। तो बहुत बार हमने देखा, बाइबल में हमने देखा है पुराना नियम और नया नियम दोनों में माइकल स्वर्गदूत, उनको हम देख सकते हैं जिनको परमेश्वर यहोवा उनको भेजे थे, ये बाइबल बताता है। और आज भी माइकल स्वर्गदूत इस धरती पर आ रहे हैं। लोगों का वादा, लोगों का दबा है इसराइल को उद्धार करने के लिए। यह परमेश्वर का योजना है। परमेश्वर का जो प्रेम है इसराइल पर, परमेश्वर का जो प्रेम है वही प्रेम ये साबित करता है कि परमेश्वर का जो दूत है, करोड़ करोड़ दूत है, कुछ दूत कुछ स्वर्गदूत इस धरती पर आ रहे हैं। आज भी कुछ स्वर्गदूत आ रहे हैं और जा रहे हैं, उनका जाना आना लगता रहता है। तो बाइबल में हम देख रहे हैं और बाइबल के बाहर भी हम देख रहे हैं अभी भी माइकल स्वर्गदूत जो कि इस धरती पर आ रहे हैं, विशेष रूप में इसराइल का यरूशलेम में। और अगर हम इसराइल के बारे में हम बात करेंगे तो बहुत बार ऐसा हुआ है इसराइल मुसीबत का सामना किया है, परंतु लेकिन क्या हुआ है, प्रधान दूत मिखाएल जो है माइकल, उन्होंने इसराइल को उद्धार किया है, वो भी परमेश्वर की आज्ञा की प्रमाण आज्ञा को लेकर उन्होंने आए। बहुत बार उन्होंने पूरी आत्मा के साथ उन्होंने युद्ध किया है, ये बाइबल भी बताता है। और इस वीडियो में हम इसराइल के ऊपर परमेश्वर का जो प्रेम है उस प्रेम को हम देखेंगे। बाबिलोन का जो रानी इसबल और अब का जो हिटलर, तो मर चुके हैं, फिर भी हम देख रहे हैं बाइबल के अंदर और बाइबल के बाहर। बाइबल के अंदर रानी जिजबल और अब का जो है हिटलर, उन्होंने बहुत प्लान किए थे टोटली इसराइल को नाश करने के लिए, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम इसराइल के ऊपर है, इसलिए ये नहीं हो सका। जब हम अतीत को देखेंगे, पास्ट को देखेंगे, मिखाएल जो माइकल स्वर्गदूत है, उन्होंने इसराइल को आए थे, ऐसे दावा किया गया था। यरूशलेम में रहने वाले लोग ने ऐसे दावा किए थे कि माइकल स्वर्गदूत को उन्होंने आसमान पे देखा था। अब हम देखेंगे, कुछ चीज को हम डिस्कशन करेंगे। अगर हम हिस्ट्री को जाएंगे, हिस्ट्री में अगर हम देखेंगे 1948 में उस महीने में, मई महीने में,
1948 मंथ ऑफ मे क्या हुआ था? कुछ अरब देश का आर्मी इसराइल के ऊपर अटैक किए थे। वो देश क्या है? वो है इजिप्ट, सीरिया, लिबानन, इराक, ऐसे कुछ देश है जिन्होंने इसराइल पर अटैक किया था, आक्रमण किया था, लेकिन इसराइल को नहीं हरा पाए। क्यों? ये चार देश मिलकर भी इसराइल को खत्म नहीं कर पाए, क्योंकि परमेश्वर यहोवा खुद इसराइल के पक्ष में थे, इसलिए उन्होंने इसराइल को नहीं हरा सके। और हम देखेंगे 1967 में फिर एक बार इजिप्ट, सीरिया, लिबानन और इराक, उन्होंने फिर से इसराइल के ऊपर अटैक किए थे और उनका लक्ष्य था इसराइल को पूरी तरह से मैप से उड़ा देने के लिए, समाप्त करने के लिए, मैप से हटाने के लिए इसराइल के चित्र को, छवि को। लेकिन वो नहीं हो सका, सिर्फ आज ही नहीं, अगर हम देखेंगे मैप में, अगर हम देखेंगे जो इसराइल देश है, उन देश को घेरे हुए बहुत सारे मुसलमान कंट्री है जिन्होंने अतीत में, पास्ट में बहुत बार कोशिश किए थे इसराइल को पूरी तरह से नाश करने के लिए, लेकिन ये नहीं हो सका। अगर हम रेवलेशन बुक को हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे गोग और मागोग, ये नहीं हुआ है, ये होगा, जरूर होगा। उन लोग क्या करेंगे? वो सब मिलकर परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध खड़ा होंगे, इसराइल के ऊपर खड़े होंगे। तो आप कल्पना कीजिए, सोचिए, तो क्या होगा, क्या होगा? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद इसराइल के पक्ष में आकर उन लोगों के साथ युद्ध करेंगे। तो क्या होगा? जो फॉल्स क्राइस्ट है, जो झूठा मसीहा, झूठा भविष्यवक्ता, जितना भी है, उन सबको उन्होंने आग में डालेगा। मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा हूँ, ये नहीं हुआ, ये होगा, जरूर होगा। और अगर हम डैनियल पुस्तक में हम देखते हैं, देखेंगे तो उधर माइकल और लूसिफर दोनों के बीच आत्मिक युद्ध हो रहा है। अगर हम डैनियल 10:13 पढ़ेंगे, इधर इस तरह का लिखा गया है, फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया। इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। जी हाँ, यहाँ जो लिखा गया है, फारस के राज्य का प्रधान वो लूसिफर को दर्शाता है, वो लूसिफर ही है। उनके साथ मिखाइल का आमना सामना हुआ था, युद्ध हुआ था, जिसको आत्मिक युद्ध कहा जाता है। और अगर हम जूड का पुस्तक अगर हम देखेंगे, उधर भी मूसा का जो लाश है, उनके लिए आमना सामना हुए थे, कौन? लूसिफर और प्रधान दूत मिखाइल, जिनको अंग्रेजी में माइकल कहा जाता है। अगर परमेश्वर वादा भी किए हैं, भजन संहिता 91:11-12, उधर परमेश्वर क्या प्रतिज्ञा किए हैं स्वर्गदूत को लेकर, उधर हम देखेंगे 11, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें, और 12, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यहां परमेश्वर यहोवा खुद
उन्होंने वचन दे रहे हैं कि हम अपने दूतों को हम भेजेंगे। जी हाँ, अगर हम निर्गमन की पुस्तक 23 उसका 20 को हम देखेंगे, उधर ऐसा लिखा गया है, सुन मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। जी हाँ, ये जितना भी वचन हमने पढ़ा वो सारे वचन के पढ़ने के बाद ये मालूम होता है, ये पता चलता है कि परमेश्वर अपने दूत को भेज रहे हैं हमारे उद्धार करने के लिए, क्योंकि ऐसा ही हुआ है। इसराइल में प्रधान दूत आए थे, उनका मकसद क्या था? सिर्फ एक ही मकसद हो सकता है, इसराइल को उद्धार करने का, रक्षा करने के लिए। तो बाइबल में ऐसे बहुत सारे स्वर्गदूत हैं, परमेश्वर के साथ हैं, जो कि परमेश्वर की महिमा करते हैं। सबको जय मसीह की, फिर मिलेंगे और एक वीडियो में। सबको जय मसीह की।